चले फ्रेंड्स, पढ़ते हैं एमपी हिस्ट्री के बारे में और देखते हैं एमपी हिस्ट्री में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपके एमपी के किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो इसको देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। देखिए, मध्य वर्ड जो है, मध्य वर्ड का मतलब होता है सेंट्रल, यानी बीच का, सेंट्रल, ठीक है। और प्रदेश मतलब क्या होता है, रीजन या स्टेट, कुछ भी आप कह लीजिए, रीजन या स्टेट, ठीक है, रीजन या स्टेट कुछ भी हो सकता है। अब इसको इसलिए कहा जाता है सेंट्रल प्रदेश क्योंकि ये जो है इंडिया के एकदम सेंटर में है, सिचुएटेड इन द हार्ट, सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ द कंट्री, हार्ट ऑफ द कंट्री। छोटी सी बात है लेकिन ठीक है, जरूरी है, एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं हम लोग, इसलिए सब बातें भी बताएंगे। धीरे धीरे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी होंगी, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा देखिए, एमपी जो है, मध्य प्रदेश, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड का पार्ट था। और गोंड देखिए वर्ड जो है, ये गोंड मतलब ये एक प्रजाति, मैंने आपको पढ़ाया है ऑलरेडी कि गोंड प्रजाति कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो गोंडवाना लैंड का पार्ट, और ये गोंडवाना लैंड कौन सा पार्ट है, ये गोंडवाना लैंड जो है ये सदर्न पार्ट ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट, ये है सदर्न पार्ट ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट। और ये सुपर कॉन्टिनेंट कौन सा था, सुपर कॉन्टिनेंट, आप जानते हैं पूरा जो वर्ल्ड है वो एक कॉन्टिनेंट में ही था और उसको हम सुपर कॉन्टिनेंट या हम पेंजिया भी कहते थे, पेंजिया। और एक ही समुद्र था जो अभी इतने सारे हो गए हैं, उसको हम कहते हैं तिथाइस सी, तिथाइस सी, ठीक है। तो ये पेंजिया का, जो पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट है उसका सदर्न पार्ट है, गोंडवाना लैंड जो है उसका सदर्न पार्ट है, ठीक है, सदर्न पार्ट, ठीक। तो इसीलिए एमपी को लैंड्स ऑफ गोंड भी कहा जाता है, गोंड का मतलब हो गया लैंड्स ऑफ गोंड्स, लैंड ऑफ गोंड, सॉरी इसको लैंड कर लीजिए, लैंड ऑफ गोंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अपन देखते हैं हिस्ट्री की बात करते हैं। ये तो हो गई एमपी की एक छोटी सी, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन। अगर हिस्ट्री की बात करेंगे तो एमपी की हिस्ट्री को मेनली बांटा गया है, एक्चुअली में हिस्ट्री ही बटा हुआ है तीन पार्ट्स में। पहला जो पार्ट है वो है प्री हिस्टोरिक पीरियड, पहला पार्ट क्या है, प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं होता है, इसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसमें जो है सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्स से आप पता लगा सकते हैं कि क्या चीजें थी, आर्कियोलॉजिकल सोर्स से आप पता लगा सकते हैं, सिर्फ इसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं होता है। और ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स किसके होंगे, जो सेटलमेंट होंगे उस समय के, जो उस समय के सेटलमेंट्स होंगे उससे आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये प्री हिस्टोरिक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्री हिस्टोरिक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है इसका स्टोन एज, स्टोन एज, पहला पार्ट है इसका स्टोन एज। और दूसरा पार्ट क्या है, चेल्कोलिथिक एज, चेल्कोलिथिक एज, स्टोन एज और चेल्कोलिथिक एज, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी सेटलमेंट्स होते थे वो सारे सेटलमेंट्स किसी पानी के, नदी के किनारे या समुद्र के किनारे या वाटर रिसोर्स जहां भी है, वाटर सोर्स जहां भी है उसी के किनारे होते थे। तो अगर मैं बात करूं कि एमपी का जो प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट था वो किन नदियों के किनारे था, तो तीन मेजर नदियां थी जिनके किनारे ये प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट था। और वो तीन मेजर नदी कौन सी थी, थ्री मेजर रिवर्स। और ये थ्री मेजर रिवर्स कौन से थे, देखिए पहला जो रिवर है, पहला रिवर है नर्मदा, नर्मदा जो कि एमपी की लाइफ लाइन भी कही जाती है, लाइफ लाइन ऑफ एमपी। तो ये एक क्वेश्चन बन जाएगा अगर कि यही पूछ ले लाइफ लाइन ऑफ एमपी कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा। दूसरा जो रिवर है वो है चंबल नदी, चंबल रिवर। और तीसरा रिवर जो है वो है बेतवा, बेतवा रिवर। जैसा कि हम लोग पहले भी करते आ रहे हैं कि चीजों को मैप पे जरूर देखते हैं, तो चलिए देख लेते हैं मैप पे कि ये तीनों रिवर्स हैं कहाँ पे, ठीक है। मैं मैप निकालता हूँ, देखिए ये मैप आपके सामने आ गया। और इस मैप को जब आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए नदियां आपको दिखेंगी, और नदियां देखिए पहली नदी कौन सी है, ये आपको देखिए ऊपर सबसे ऊपर नॉर्थ में ये है चंबल नदी, ठीक है। ये यहाँ से यमुना नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, ये आप देख रहे हैं, ये है यमुना नदी, ये जो है ये है यमुना नदी, और ये यूपी में बहती है, इसी की एक ट्रिब्यूटरी है चंबल, जो कि एमपी के नदन मोस्ट पार्ट के ऊपर से जाते हुए ये यहाँ से फिर राजस्थान होते हुए डायरेक्ट फिर ये एमपी में एंटर करती है यहाँ पे। और यहीं पे गांधी सागर परियोजना है, ठीक है, राणा प्रताप सागर परियोजना है, ये राजस्थान में है, जवाहर सागर परियोजना ये कोटा में है, ठीक है, ये और ये गांधी सागर ये एमपी में है। तो ये हो गया आपका चंबल नदी। और इसके बाद मैंने क्या कहा, नर्मदा नदी, देखिए ये एमपी को लगभग दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है, यहाँ से ये जो पार्ट है जिसको मैं ये जो डॉट कर रहा हूँ, यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। और ऐसे ये देखिए बरगी परियोजना आपको मिलेगा यहाँ नर्मदा नदी पे, इसके अलावा ये चलती जाती है इधर, यहाँ पे तीन परियोजना आपको मिलेगा, इंदिरा सागर परियोजना, ठीक,
इंदिरा सागर परियोजना, इधर ओमकारेश्वर परियोजना, और इसके अलावा ये है महेश्वर परियोजना। ये तीन परियोजना आपको यहाँ मिलेगा, और ये फिर इधर चला जाएगा, यहाँ से फिर मान परियोजना है, और फिर ये जोबट परियोजना, ये सब नर्मदा नदी पे है। तो ये हो गया एक नर्मदा नदी, और तीसरा जो मैंने कहा बेतवा, तो तीसरा है बेतवा नदी। तो देखिए बेतवा नदी ये है, ये यमुना नदी की ये एक ट्रिब्यूटरी है, तीन ट्रिब्यूटरी है, एक चंबल, बेतवा, सोन, फिर ये केन, ये सब यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी। ये भी देखिए ये भी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ठीक। तो ये बेतवा नदी यहाँ से चलेगा, और बेतवा नदी पे राजघाट परियोजना है, राजघाट परियोजना ये यहाँ से चलेगा, एमपी में एंटर करेगा, और फिर यहाँ से एमपी में एंटर करते हुए ये इधर से निकल जाएगा। ये हो गया आपका बेतवा नदी, ठीक है। तो ये मेनली तीन नदी है, और इन्हीं के आसपास जो है ये प्री हिस्टोरिक पीरियड जो एमपी का है वो सेटलमेंट दिखा गया है, ठीक है। चलिए आप अपने नोट्स पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया नर्मदा, चंबल और बेतवा, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देखते हैं कि प्री हिस्टोरिक ह्यूमन बींग्स जो थे, प्री हिस्टोरिक ह्यूमन बींग्स, उनके रेलिक्स कहाँ मिले हैं, या उनके जो अवशेष हैं वो कहाँ मेनली किस तरफ मिले हैं। तो सबसे पहला जो इसमें है मेन, वो है भीम बेटका केव्स। भीम बेटका केव्स नहीं है एक्चुअल में, ये एक जगह है भीम, और ये कहाँ है, रायजन, भोपाल की जस्ट बगल में एक जगह है रायजन, वहीं पे ये मिलेगा भीम बेटका। अच्छा एक और बात बता दूं मैं, बात चली है तो, भीम बेटका जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। तो ये भीम बेटका, उसके अलावा बात करूं मैं तो ये होशंगाबाद, जिसको अभी नर्मदापुरम भी कहते हैं, होशंगाबाद। इसके बाद सागर जो है, सागर, ये जितने जिले हैं सागर के बाद भोपाल, भोपाल, फिर निवार, निवार, और इसके अलावा फिर चानेर, चानेर, चानेर खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है, चानेर खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है चानेर, ठीक है। और पंचमढ़ी एक है, पंचमढ़ी, ये भी नर्मदापुरम में है, पंचमढ़ी, पंचमढ़ी सबसे ज्यादा बारिश अगर एमपी में बात करते हैं तो कहाँ पे होता है, पंचमढ़ी में, ठीक है। तो इन सब जगहों पे प्री हिस्टोरिक ह्यूमन बींग्स के रिलिक्स पाए गए हैं, ठीक। अच्छा अगर हम बात करें स्टोन एज एरा, तो ये इसके एविडेंस कहाँ पाए गए हैं, तो देखिए इसके एविडेंस पाए गए हैं मेनली जो है ईरान, ईरान में पाए गए हैं, जबलपुर में आपको दिखाई देंगे, जबलपुर में आपको दिखाई देंगे, इसके अलावा दामोह में आपको दिखाई देंगे, दामोह में दिखाई देंगे, ठीक है, होशंगाबाद रीजन में भी आपको दिखाई देंगे। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं कि क्या टाइम पीरियड था इन जो प्री हिस्टोरिक स्टोन एजेस की हम बात करते हैं, तो उसको किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उसका टाइम पीरियड क्या था, ठीक है। चलिए इसको ऊपर कर देता हूँ। देखिए प्री हिस्टोरिक जो स्टोन एज पीरियड है, प्री हिस्टोरिक या स्टोन एज पीरियड, स्टोन एज पीरियड अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये जो है मेनली 2.5 लाख BC से 4000 BC तक का टाइम पीरियड है, 4000 BC, ये BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और इसको मेनली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसको मेनली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसमें से पहला पार्ट जो है वो है पेलियोलिथिक एज, पेलियोलिथिक एज, पहला पार्ट जो है वो है पेलियोलिथिक एज, और इसका टाइम पीरियड क्या है, 2.5 लाख से 10000 BC, 10000 BC तक, ठीक है। दूसरा जो है वो है मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, और इसका जो टाइम पीरियड है वो कब है, 10000 से लेके 6000 BC, 6000 BC। और तीसरा है नियोलिथिक, नियोलिथिक एज, और नियोलिथिक एज की मैं बात करूं तो नियोलिथिक एज है 6000 से 4000 BC, 6000 से 4000 BC, ठीक है। ये मेनली मैंने डिवाइड कर दिया तीन पार्ट्स में इसको, प्री हिस्टोरिक एज को। अब बात करते हैं बारी बारी से तीनों के बारे में। तो पहला ले लेते हैं हम पेलियोलिथिक एज, ठीक है। देखिए पेलियोलिथिक एज थोड़ा मोटा हो गया, इसको थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। देखिए पेलियोलिथिक एज, पेलियोलिथिक एज, ठीक। अब इसके बारे में बात करते हैं, देखिए इनको क्या कहा जाता था, ये थे हंटर्स और फूड गैदरर्स, ये थे हंटर्स और फूड गैदरर्स, इनका एक ही काम था, इनका एक ही काम था खाना और खाना। कहाँ से खाना मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर स्टार्ट में अगर धरती पे कोई सिविलाइजेशन या कोई इंसान आया है तो सबसे पहला नीड आज भी क्या है, फूड ही है। तो ये मेनली क्या करते थे, हंटिंग करते थे और खाना गैदर करते थे। टाइम पीरियड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ 2.5 लाख से 10000 BC, यही है मेन बेसिक चीज। अगर आप कहोगे तो तब भी था खाना, आज भी है खाना, ठीक है। दूसरा देखिए इसमें क्या है, ये नोमेडिक पीपल थे, दे वेयर नोमेडिक पीपल, दे वेयर नोमेडिक पीपल,
पहली चीज। दूसरी चीज क्या थी कि ये कम्युनिटीज में रहते थे, दे लिव इन कम्युनिटीज, ये मैं बात कर रहा हूं पेलियोलिथिक एज की, दे लिव इन कम्युनिटीज, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें, अब ये क्या करते थे, हंटिंग करते थे, हंटिंग करने के लिए हथियार चाहिए, तो ये किस तरह के हथियार यूज करते थे उनको देख लेते हैं। तो हथियार जो इनके थे वो मेनली टूल्स की अगर मैं बात करूं, टूल्स की बात करूं अगर, तो टूल्स जो इनके थे वो थे हैंड एक्सेस, हाथ में यूज करने वाली कुल्हाड़ी, हैंड एक्सेस। फिर चॉपर्स थे, अलग अलग तरीके के, ये लोग पत्थर से चॉपर्स बनाते थे और उसको यूज करते थे। फिर था क्लीवर्स, क्लीवर्स, और इसके अलावा फिर फ्लेक्स था, फ्लेक्स, ठीक है। और ये मेनली किस चीज से बनाते थे, स्टोन से बनाते थे अपने हथियार, इसके अलावा बोन से बनाते थे, हड्डियों से बना लेते थे, ठीक है, और क्वार्टराइज से बना लेते थे, रॉक वगैरह से ये लोग हथियार बना। अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको तो देखिएगी, अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि ये एक्चुअली में कैसे हथियार थे और किस तरह से बने हुए थे। देखिए इस तरीके के टूल्स उस समय हुआ करते थे, और ये देखिए, ये देखिए इस तरीके के नुकीले, जो कि ये देखिए ये नुकीले टूल्स हुआ करते थे, कुछ इस तरीके के भी हुआ करते थे, और मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए, ये भी पैलियोलिथिक टूल्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। इस तरह से उन्होंने स्टोन को नुकीला बना के, या इस तरीके से भारी स्टोन्स को यूज करके ये लोग, और इस तरीके से भारी स्टोन्स को यूज करके ये लोग जो है हंटिंग वगैरह करते थे, ठीक है। ये देखिए इस तरीके का, ये है इस तरीके का टूल जो है उस समय पैलियोलिथिक टाइम में यूज होता था, ठीक है। चलिए अपने मैटर पे आते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने भी सिविलाइजेशंस है या जो एंशियंट लोग थे, जो पैलियोलिथिक लोग थे, वो लोग मेनली किसी नदी के किनारे रहना पसंद करते थे जिससे उनको पानी मिल सके। तो अगर मैं बात करूँ कि वो कौन कौन से थे, तो मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। देखिए हमने बात किया था नर्मदा, तो नर्मदा तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हम स्पेसिफिकली एमपी को पढ़ रहे हैं, तो हम उनको लेंगे जो एमपी में है, ठीक है। तो मेनली देखिए एक नर्मदा था, उसके अलावा बेतवा, मैंने बताया आपको बेतवा, ठीक है। इसके अलावा चंबल, चंबल नदी के किनारे, फिर सोन नदी है। तो जितने भी मेन नदियां हैं जो एमपी में पाई जाती हैं, जैसे कि पार्वती नदी, पार्वती भी है, पार्वती के अलावा हिरान है, हिरान, फिर ये हिरान नर्मदा की एक ट्रिब्यूटरी है, वेन गंगा। तो ये सारी नदियां जो है इन्हीं के आसपास या इन्हीं के वैलीज में, ठीक है, ये मेनली पैलियोलिथिक सिविलाइजेशन जो है यहाँ पाई जाती थी, ठीक है। अच्छा अगर मैं बात करूँ बेतवा नदी की, तो बेतवा में देखिए, बेतवा में ही हैंड एक्स मिला था, हाथ से बनाया हुआ एक्स मिला था, जो किससे बना था, क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट से बना था, और ये डिस्कवर हुआ था बेतवा के वैली में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि कौन से टूल्स थे और वो कहाँ से मिले थे। तो ये भी कभी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ ये टूल कहाँ से मिला था, तो उनको देख लेते हैं। देखिए मेजर टूल्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो पहला जो टूल है वो टूल मिला कहाँ से था, तो ये हैंड एक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, क्वार्टराइज का, ये कहाँ से मिला था, बेतवा से। और एक हैंड एक्स जो है दामोह से मिला था, एक हैंड एक्स जो है ये मिला था दामोह से, दामोह, ठीक है, ये दामोह से मिला था। इसके अलावा जबलपुर से मिला था, जबलपुर से, जबलपुर से मिला था, होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम से मिला था, होशंगाबाद यानी कि नर्मदापुरम से मिला था, ठीक है। इसके अलावा पंचमढ़ी से भी मिला था, पंचमढ़ी से, पंचमढ़ी से मिला था, और सागर जिला से भी बहुत सारे एविडेंस मिले थे, ठीक है। तो ये मेजर एविडेंसेज हैं, जो प्लेसेज हैं जहाँ से एविडेंस मिला था कि स्टोन टूल्स बनाए गए थे, ये स्टोन टूल्स ही मिला था एक्चुअल में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अब देखते हैं, देखिए हमने बात किया नर्मदा की, बेतवा की, चंबल की, सोन की, पार्वती की, तो इन जगहों पे कौन कौन से पैलियोलिथिक साइट्स थे, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए पहला जो है नर्मदा, अगर मैं बात करूँ नर्मदा की, तो नर्मदा पे कौन कौन से साइट मिले थे, नर्मदा पे हाथनोरा यानी कि सीहोर, हाथनोरा, ठीक है, यानी कि सीहोर, भीमबेटका, 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 इसके अलावा आदमगढ़, 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 ठीक है, भेड़ा घाट, भेड़ा घाट। तो ये मेनली जो साइट्स थे, ये साइट्स क्या है, नर्मदा वैली पे मिले थे, और ये है अपर पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, ठीक है, ये है अपर पैलियोलिथिक, ठीक, साइट, अपर पैलियोलिथिक साइट, ये कहाँ मिले थे, नर्मदा पे। तो क्वेश्चन अगर आता है कि अपर पैलियोलिथिक साइट्स किस नदी के वैली पे मिला था, तो आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा वैली। अब बात करते हैं, अच्छा एक मिडिल पैलियोलिथिक का साइट भी मिला था नर्मदा पे, जिसका नाम है भीमबेटका रेजिन। और मैं बात करूं लोअर पैलियोलिथिक की, तो लोअर पैलियोलिथिक की जो साइट्स मिली थी वो कहां से मिली थी, लोअर, लोअर पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक की साइट मिली थी, ये मेनली मिली थी नर्मदा वैली और सोन वैली, नर्मदा वैली और सोन वैली, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अपर, लोअर और मिडिल तीनों साइट्स, तीनों साइट्स की जो रिमेन्स मिली थी वो नर्मदा वैली पे मिली थी, ठीक है, क्लियर है, ये हो गया पैलियोलिथिक। अब बात करते हैं हम लोग मेसोलिथिक, अब हम लोग बात करते हैं मेसोलिथिक, ठीक है। दूसरा है हमारे पास जो है वो है मेसोलिथिक, मेसोलिथिक। तो सबसे पहले तो टाइम पीरियड देख लेते हैं, बता दिया ऑलरेडी आपको कि मेसोलिथिक जो है वो है 10,000 से 6,000 BC, ये तो मेजर टाइम पीरियड हो गया, ठीक।
ये वो जो था पैलोलिथिक जो था वो था हंटर और गैदरर, लेकिन ये है हंटर और हार्डर। ये क्या थे? हंटर और हार्डर, हंटर एंड हार्डर, ये जो थे ये थे हंटर एंड हार्डर। ठीक है, समझ में आती इतनी बात। और इनके जो मेन टूल थे वो माइक्रोलिथ्स थे, जैसे कि एरो हेड्स। ठीक है, इस तरीके का, देखिए इस तरीके से बनाते थे ये एरो हेड्स, एरो हेड्स। इसके अलावा जो थे ब्लेड्स बनाते थे ये लोग, ब्लेड्स। ठीक, ब्लेड्स के अलावा ये लोग बोन्स के टूल बनाते थे, शार्प टूल, बोन टूल्स। ठीक, आइवरी, आइवरी का भी ये लोग टूल्स बनाते थे। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा एनिमल बोन्स के बहुत सारे टूल्स और बहुत सारे एविडेंसेस पाई गई हैं डोमेस्टिकेशन की, कि ये लोग डोमेस्टिकेट करते थे। ठीक, और मेन साइट्स जो है इनकी, इनकी भी मेन साइट्स जो है वो कहाँ पाई गई है? ये पाई गई है बेतवा, चंबल और नर्मदा। बेतवा, चंबल और नर्मदा, चंबल और नर्मदा। देखिए तो ये अगर ऐसे क्वेश्चन सब आना मुश्किल है कि साइट्स पूछ ले, क्योंकि सब में बेतवा, चंबल, नर्मदा एक मेजर रोल प्ले करती है। ठीक है, तो स्पेसिफिकली कोई साइट अगर पूछेगा कि ये किस नदी के किनारे है तो वो हम क्वेश्चन में देख लेंगे। ठीक, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए इसमें जो साइट, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आदमगढ़ हिल्स, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि आदमगढ़ हिल्स, आदमगढ़ हिल्स, तो ये आदमगढ़ हिल्स एक एग्जाम्पल हुआ। जो अगर मैं पूछूँ कि कहाँ पाया गया था, तो ये आदमगढ़ हिल्स जो है ये है नर्मदापुरम में। ठीक है, नर्मदापुरम में, तो ये पूछ सकता है, तो इस तरह से हम आंसर भी कर सकते हैं। ठीक, ये नर्मदापुरम जो है ये होशंगाबाद से, होशंगाबाद के पास में ही है और विंध्याचल रेंज में है। मेनली आदमगढ़ हिल्स की बात कर रहा हूँ मैं, आदमगढ़ हिल्स जो है ये होशंगाबाद यानी कि नर्मदापुरम में है और ये विंध्याचल रेंज में है। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और कुछ और साइट्स भी देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछ सकता है कि बाघ केव्स कहाँ पे है, बाघ केव्स डायरेक्ट क्वेश्चन आया भी है एमपीपीएससी में कि बाघ केव्स कहाँ पे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाघ केव्स धार डिस्ट्रिक्ट में है, धार डिस्ट्रिक्ट सदन एमपी में है, नीचे एकदम वेस्टर्न सदन कह लीजिए आप, बड़वानी के ऊपर और झाबुआ के बीच में, ये झाबुआ और बड़वानी के बीच में है धार डिस्ट्रिक्ट, इंदौर और उज्जैन उसके नॉर्थ में है धार के। ठीक है, तो धार में बाघ केव्स सुना था, ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर में। इसके अलावा सेल्टर्स जो मिले हैं वो कहाँ मिले हैं? तो ये एक शिवना नदी है, शिवना नदी, तो ये पूछ लेगा कि शिवना नदी कहाँ पर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिवना नदी जो है ये है मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में, मंदसौर में। तो ये कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ मंदसौर में। ठीक है, ये क्वेश्चन के रूप में डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे, इसको मैं साइड में ये इस तरह से कर दे रहा हूँ। ठीक, आपसे ये पूछ सकता है कि बताओ खंडवा, खंडवा यानी ईस्ट निमार, खंडवा यानी कि ईस्ट निमार, ईस्ट निमार पहले था ईस्ट निमार, अब है खंडवा, तो ये ईस्ट निमार यानी कि यहाँ पे कौन सा पूछ सकता है कि क्या पाया गया? तो ईस्ट निमार में क्या पाया गया है? देखिए पत्थरों से बने उपकरण, पत्थरों से बने कुछ उपकरण जो है यहाँ पाए गए। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कुछ खदानें मिली हैं ईस्ट निवार में, क्या मिली है? कुछ खदानें, खदानें भी मिली है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन में आ सकता है, तो क्वेश्चन आएगा तो देख लेंगे, बाकी हम क्वेश्चन तो करेंगे ही जिससे ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे देख लेते हैं इसके बाद क्या है। तो ये हो गया मेनली हमारा मेसोलिथिक, मेसोलिथिक में ज्यादा नहीं है। अब अपन बात कर लेते हैं तीसरा जो है वो है, तीसरा जो है वो कौन सा है? ये है नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। तो अगर मैं बात करूँ इसके टाइम पीरियड की, ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, पर एक बार फिर से बताता हूँ, ये कितना था टाइम पीरियड इसका? 6000 से 4000, 6000 से 4000 BC। ठीक है, ये हो गया इसका टाइम पीरियड। और ये लोग, अब देखिए अब चेंजेस स्टार्ट हो गया है, अब ये लोग जो है ये लोग फूड प्रोड्यूसर थे, ये लोग क्या थे? फूड प्रोड्यूसर। पहला वाला क्या था? पहला वाला था हंटर और गैदरर। ठीक है, हंटर और गैदरर, दूसरा वाला हंटर और हार्डर, और तीसरा वाला जो है ये नियोलिथिक एज वाला, ये क्या था? फूड प्रोड्यूसर, यानी ये लोग अब खेती करने के लिए, खेती करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो खेती करना स्टार्ट करके अब इसमें क्या चीजें था? डोमेस्टिकेशन, ये मेनली क्या करते थे? डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन यानी कि ये लोग जानवर भी अब डोमेस्टिकेट करने लग गए। इसके अलावा जो है ये लोग फूड प्रोड्यूस करने लगे, यानी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर भी ये लोग करने लग गए। ठीक, कौन कौन से जानवर डोमेस्टिकेट करते थे? तो मेनली ये लोग दूध और मीट के लिए, शिप, गोट, ठीक है, और कैटल सबसे मेन, ये तीनों तरह के जानवरों को ये लोग डोमेस्टिकेट करते थे। ठीक है, और इस तरह से जब ये चीजें होने लगी तो ये किस चीज को रूप देने लगी? विलेज लाइफ को। ठीक है, ये लोग साथ साथ मिलकर रहने लगे और एक विलेज लाइफ को रूप देने लग गए। ठीक, और इसके बाद जो है न्यूलिथिक में आपको डिवीजन ऑफ लेबर भी दिखाई दिया, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ, लेकिन ये किस चीज, किस बेसिस पे था? बेसिस ऑफ सेक्स, बेसिस ऑफ सेक्स, की मर्द है तो ये इस तरह का काम करेगा, औरत है तो ये घर का खाना बनाएगी, इस तरह से एक काम को बांट दिया गया। और ये सब किस में हुआ? न्यूलिथिक में। तो क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। और ये लोग जो है किस तरीके के टूल्स यूज करते हैं, ये लोग किस तरीके के टूल्स यूज करते हैं, तो अब देख लेते हैं टूल्स। टूल्स जो मेनली इनके थे वो शार्प एज टूल्स थे, शार्प एज टूल्स, शार्प। अब चूंकि एक्सपीरियंस इन लोग का बढ़ गया था तो अब और अच्छा टूल्स बनाने लग गए। किस तरीके के टूल्स बनाने लगे? शार्प, जैसे कि फ्लिंट। ठीक है, जैसे कि फ्लिंट बनाने लग गए। इसके अलावा जो है एक्स हैमर, एक्स हैमर बनाने लग गए, एक्स हैमर बनाने लग गए। ये फ्लिंट बहुत ज्यादा शार्प होता है, बहुत ज्यादा नुकीला होता है और बहुत ज्यादा इसमें धार रहता है। ठीक है,
फ्लिंट के अलावा अगर आप बात करेंगे तो बोन टूल्स भी इनका बहुत ज्यादा एडवांस होने लग गया। ठीक, अब बात कर लेते हैं, अब चूंकि ये लोग एग्रीकल्चर करते थे तो कौन से क्रॉप्स उगाते थे, कौन से क्रॉप्स, देखिए मेनली जो क्रॉप्स इनके थे वो कौन से थे, अगर मैं बात करूं न्योलिथिक में तो क्रॉप्स थे राइस, आप देख लीजिए राइस था, ठीक है, इसके अलावा वीट था, राइस हो गया, वीट हो गया, बार्ली, बार्ली उगाते थे, मीट तो था ही इनका, ठीक है, मीट तो इनका था ही, इसके अलावा मिलेट्स, मिलेट्स भी उगाते थे, ठीक है। अच्छा, क्राफ्टिंग की अगर मैं बात करूं तो क्राफ्ट भी बनाते थे ये लोग, और पॉटरी जो था ये इनका मेन क्राफ्ट था, पॉटरी, क्योंकि बर्तन चाहिए ना, खाना बनेगा, खाएंगे, रखेंगे, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, पॉटरी बनाना स्टार्ट किया, ठीक, और पॉटरी स्टार्ट हुआ इसका मतलब व्हील्स भी आ गया, क्या आ गया, व्हील्स आ गया, व्हील्स की भी खोज न्यूलिथिक में ही आती है, ठीक। तो जब व्हील आ गया, पॉटरी आ गया और एग्रीकल्चर आ गया, तो यहां से हो गया रिवोल्यूशन, नियोलिथिक रिवोल्यूशन, नियोलिथिक रिवोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा सा सभ्यता एडवांस होने लगी, और एडवांस होने लगी तो लोग जो है और ज्यादा अच्छी तरह से रहने लग गए, ठीक। अब इसके बाद जो आता है वो आता है चैल्कोलिथिक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, चैल्कोलिथिक एज, चैल्कोलिथिक एज, तो अब देखते हैं चैल्कोलिथिक एज में क्या चीजें हुई थी, ठीक है। तो देखिए नियोलिथिक के बाद, नियोलिथिक, नियोलिथिक के बाद आया चैल्कोलिथिक एज, और अगर मैं यहां बात करूं टाइम पीरियड की, देखिए चैल्कोलिथिक एज में मेटल्स का पहली बार यूज हुआ, मेटल एज भी आप कह सकते हैं, मेटल एज, या और स्पेसिफाई करूं तो कॉपर एज, कॉपर एज, चैल्को वर्ड का मतलब ही होता है कॉपर, ठीक है, इस वर्ड का मतलब ही होता है कॉपर, ठीक, तो कॉपर एज कह लीजिए या मेटलिक एज कह लीजिए, ठीक है। और ये मेनली अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं, सबसे पहले हम लोग टाइम पीरियड के बारे में देखते हैं, तो टाइम पीरियड क्या था, 4000 बीसी से 1200 बीसी, ठीक है। न्यूलिथिक के बाद क्या आ गया, चैल्कोलिथिक एज यानी कॉपर एज आ गया, और अब जो टूल्स बनने लगे बोन्स से नहीं बनते थे, अब कॉपर के टूल्स बनने लग गए, मेटेलिक टूल्स बनने लग गए, किस तरह के टूल्स बनने लगे, मेटेलिक टूल्स बनने लग गए, मेटेलिक टूल्स, और मेटल्स का यूज करके तो अब चांदी चांदी हो गई एक तरह से, है ना, क्योंकि अब चीजें जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग और ड्यूरेबल काम होने लग गया। और पहला मेटल जो इंसान ने यूज किया था वो क्या यूज किया था, पहला मेटल जो यूज किया था वो किया था कॉपर, कॉपर जो है वो पहला मेटल यूज किया इंसान ने, ठीक है, इतनी बात समझ आ जाती है। और टूल्स भी अब चेंज हो गए, अब टूल्स भी चेंज हो गए, अब कॉपर से बनने वाले टूल्स थोड़े अलग ही होंगे ना, जैसे कि नाइव्स, नाइव्स चाकू बनने लग गया, ठीक है, इसके अलावा पिंस, पिंस बनने लग गए, फिर हुक, ये सारे टूल्स आने लग गए, फिशिंग के लिए हुक आने लग गए, ठीक। तो ये मेनली जितने टूल्स थे ये ज्यादा एडवांस थे और ये अर्लियर एजेस से बहुत ज्यादा डिफरेंट भी थे, ठीक। इसके बाद चलते हैं आगे, देखिए पहले होती थी पॉटरी, न्योलिथिक में क्या होती थी, पॉटरी होती थी, पॉटरी की शुरुआत हो चुकी थी, अब क्या होगा, पेंटेड पॉटरी, ठीक। अब उस पॉटरी को क्या करेंगे ये लोग, पेंट करेंगे और सुंदरता लाने लगे उसमें, एडवांसमेंट बढ़ा तो सुंदरता भी इन्होंने बढ़ा दी, ठीक। इसके अलावा चैल्कोलिथिक में जब मृत्यु होती थी तो ये बरियल भी स्टार्ट कर दिए, यानी कि बॉडी को जमीन के अंदर बरी करना भी स्टार्ट कर दिए चैल्कोलिथिक एज में, ठीक है। और ये जो बरियल होता था ये इनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता था, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता था, ठीक है, बरियल जो था ये इनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बॉडी को लिटा के ये लोग जमीन के अंदर गाड़ देते थे, ठीक है। अब ये जो टाइम था ये कंटेम्प्रोरी था हरप्पा और मोहनजोदारो सिविलाइजेशन जो हमने इंडस वैली में देखा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अगर मैं बात करूं एमपी में, थोड़ा सा आप एमपी में घुस जाते हैं, तो ये सिविलाइजेशन मेनली कहां पे एग्जिस्ट कर रही थी, मालवा में, मालवा प्लेटू, मालवा प्लेटू, मालवा प्लेटू यानी मालवा रीजंस में मेनली अगर बात करें एमपी का, सबसे बड़ा ये फिजियोग्राफिक डिवीजन है और 28% जो है एमपी का ये मालवा डिवीजन, मालवा प्लेटू है, ठीक है। तो ये मेनली इसी रीजन में, और इसको कभी कभी, इसको कभी कभी हम लोग मालवा कल्चर भी कह देते हैं, मालवा कल्चर भी कह देते हैं, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक, इतनी बात समझ में आ जाएगी। अब देखिए जो सबसे पहला साइट था, फर्स्ट चैल्कोलिथिक साइट एमपी में, ये हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि फर्स्ट चैल्कोलिथिक साइट कौन सा था, फर्स्ट चैल्कोलिथिक साइट, फर्स्ट चैल्कोलिथिक साइट ऑफ एमपी ये कौन सा था, तो ये था कायथा, ये कौन सा था, कायथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट चैल्कोलिथिक साइट कौन सा था, तो इसको मैं इस बक्से में डाल देता हूं जिससे कि ध्यान रहेगा, कायथा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कायथा को किसने डिस्कवर किया था, ये क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है कि इसको डिस्कवर किसने किया था, तो ये डिस्कवर करने वाले थे वी एस वाका, वाका नाका, वाका नाकर, वाका नाकर, ठीक है, वी एस वाका नाकर, प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा। तो इन्होंने डिस्कवर किया था किसको, कैथा को, ठीक है, और मेनली चंबल वैली, ये कहां पर है, चंबल वैली में, ठीक है, क्लियर है। अगर ये क्वेश्चन भी आ जाए कि कैथा एमपी में है कहां पे, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो क्या आंसर देंगे आप, तो भैया कायथा साइट जो है, कायथा साइट जो है वो है
कहाँ पे, मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये है निमार डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों, निमार डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, निमार डिस्ट्रिक्ट में है, और ये वहां पर एक भीमपुर तहसील है, भीमपुर तहसील, भीमपुर तहसील, भीमपुर तहसील है वहां पे, ठीक है, तो वहां पे ये पाया जाता है, ठीक है, लिख देंगे अब आएगा तो कर देंगे। चलिए ये भी नोट कर लीजिए या फिर इसको भी मार्क कर लीजिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं कि अच्छा वीएस वाकानाकर का जो मैंने नाम लिया, इन्होंने कायथा डिस्कवर किया, इसके अलावा इन्होंने एक और साइट डिस्कवर किया नागडा, क्योंकि ये फेमस हो गए पहला वेबसाइट डिस्कवर करके, तो इनका एक और साइट भी उनको पता होना चाहिए जिसको हम क्या कहेंगे, नागडा, ठीक है। और भी कुछ आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम आपको पता होना चाहिए, तो उनके नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि और कौन कौन से आर्कियोलॉजिस्ट थे, तो इसके अलावा एक थे जेड डी अंसारी, जेड डी अंसारी साहब, और एच डी संकेलिया, एच डी संकेलिया, और इसके अलावा एम के धावालिकर, धावालिकर, ये तीन लोग जो है वाकानाकर के अलावा ये तीन लोग भी थे। देखिए अगर बात किया है तो मैं बता दूं आपको कि एच डी संकेलिया जो है इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, इन्होंने डिस्कवर किया था महेश्वर और महेश्वर, महेश्वर और नवदा टोली, नवदा टोली, महेश्वर और नवदा टोली इन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। अच्छा कायथा कल्चर जो था ये मेनली कब से कब का था, तो ये था 2450 से लेकर 2000 BC, और इसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन आप डालोगे उतना फायदा होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में और आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पहला चलकुलिथिक साइट था एमपी का, तो ये हाईली इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं आपको मैप पे दिखाऊं, तो चलिए मैप पे दिखाता हूँ कि कायथा कल्चर है कहाँ पे, ठीक है। ये देखिए मैप आपके सामने है, अगर हम बात करें कायथा कल्चर की, तो देखिए ये यहाँ देख पा रहे हैं आप, कलर चेंज कर लेता हूँ, व्हाइट से आपको दिखेगा नहीं, मजा नहीं आएगा। देखिए देखिए यहाँ पे ये है आपका कायथा और मालवा कल्चर, ठीक। तो मैंने आपको बताया था कि ये निमार डिस्ट्रिक्ट में, इसको आप ठीक कर लीजिए, ये जो है उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में आता है कायथा, ठीक है, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा, और क्वेश्चन आया हुआ है तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा अगर आप नागडा की बात करें तो ये भी उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स मैं अगर आपको बताऊं, तो जैसे देखिए एरान साइट है, एरान साइट ये कहाँ पर है, ये सागर डिस्ट्रिक्ट में है, एरान साइट कहाँ है, सागर डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा नवदा टोली, नवदा टोली, नवदा टोली ये कहाँ पर है, नवदा टोली, ये सब मैं न्यूलिथिक साइट्स बता रहा हूँ आपको, ये लार्जेस्ट सेटलमेंट है, नवदा टोली जो है ये लार्जेस्ट सेटलमेंट है, और ये कहाँ पाया गया है, ये खारगन डिस्ट्रिक्ट, खारगन डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है, ठीक है। इसके अलावा आजाद नगर, अगर मैं बात करूँ आजाद नगर, आजाद नगर तो ये है कहाँ पे, आजाद नगर ये आपको मिलेगा इंदौर में, जी हाँ इंदौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है। तो ये सारे मेन साइट्स हैं जो पाए गए हैं विद देयर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, क्लियर हो गया। और अगर दूसरे, अच्छा मैं न्यूलिथिक बोल दिया, ये चैल्कोलिथिक साइट्स हैं, चैल्कोलिथिक साइट्स हैं, नॉट न्यूलिथिक, वो तो हम बात कर चुके हैं ऊपर ही, अभी हम बात कर रहे हैं न्यूलिथिक साइट्स की, ठीक है। और बाकी मैप पे आपको मैंने दिखाई दिया कि यहाँ पे है कायथा एंड मालवा कल्चर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं, हमने बात किया कायथा कल्चर के बारे में, अब हम बात करेंगे मालवा कल्चर, मालवा कल्चर के बारे में बात करेंगे, देखेंगे इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो देखिए मालवा कल्चर की अगर मैं बात करूं, तो मालवा रीजन जो है ये मैंने आपको फिजियोग्राफिक डिवीजन में भी पढ़ाया है, मालवा रीजन ये किस तरफ है एमपी के, तो अगर मैं बात करूं तो ये है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी, ठीक है, ये बात समझ में आती है, आगे बढ़ते हैं चलिए। और ये एक डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल यूनिट है जो कि इंडो गैंगेटिक प्लेन और पेनिनसुलर रिवर के बीच का लिंक है, इंडो गैंगेटिक प्लेन, इंडो गैंगेटिक प्लेन, और इसके अलावा जो है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बीच का क्या है, ये लिंक है, ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं, देखिए ये पहला फर्स्ट आइडेंटिफाइड एक्सकेवेशन जो यहाँ हुआ था, ये हुआ था महेश्वर, महेश्वर, महेश्वर में फर्स्ट आइडेंटिफाइड एक्सकेवेशन, और ये कहाँ पे हुआ था, किस नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा रिवर के किनारे, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। और इसको पुराण में माहिष्मती, जी हाँ बाहुबली वाला जो आपने सुना होगा, माहिष्मती के नाम से जाना जाता है, माहिष्मती, ठीक है, क्लियर है। और इसमें दो रिवर, मालवा कल्चर की अगर मैं बात करूं तो मेनली चंबल रिवर सिस्टम, चंबल रिवर सिस्टम और नर्मदा रिवर सिस्टम के आसपास जो है इसकी सारी साइट से थी, ठीक, क्लियर है। अच्छा लार्जेस्ट सेटलमेंट अभी मैंने आपको बताया मैप पे कि लार्जेस्ट सेटलमेंट कौन सा था, तो लार्जेस्ट सेटलमेंट हमारा था, लार्जेस्ट सेटलमेंट बताइए, बिल्कुल सही, नवदा टोली, नवदा टोली ये सबसे लार्जेस्ट सेटलमेंट था, और ठीक है क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बाकी दूसरे सेटलमेंट्स कौन से थे, नगदा था, ईरान था, कायत था, ठीक है। अच्छा इसमें डोमेस्टिकेशन जो किया गया वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि शीप्स गोट पिग्स कैटल
इन सारे जानवरों का डोमेस्टिकेशन होता था। एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड जरा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स एमपी के जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में तो कई बार आ चुके हैं, ठीक है, आगे भी आएंगे। तो देख लेते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकली उनको देखेंगे और उनके कुछ डेटा को देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्री हिस्टोरिक साइट्स, प्री हिस्टोरिक साइट्स, ठीक है। चलिए इनको देख लेते हैं कौन कौन से थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट साइट जो है पहला वो है भीमबेटका केव्स, भीमबेटका केव्स, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बताया है कि ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि ये तो सबसे सिग्निफिकेंट प्री हिस्टोरिक साइट है, और ना सिर्फ एमपी में बल्कि पूरे इंडिया में अगर बात करूं तो ये इसमें अर्लीएस्ट अर्लीएस्ट ट्रेसेस पाए गए हैं किस चीज के, सॉरी, ऑफ लाइफ, ना सिर्फ एमपी में बल्कि ऑल ओवर इंडिया। तो अगर आप इंडिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भीमबेटका केव्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपको पूछा जा सकता है कि कहां पर है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये थोड़ा सा धार्मिक इसका पक्ष है कि ये भीमबेटका वर्ड जो है ये भीम वर्ड से लिया गया है, और भीम को कौन नहीं जानता, जिसने भी महाभारत पढ़ा है या सुना है या देखा है तो वो भीम कैरेक्टर से जरूर वाकिफ होगा। भीम पांचों पांडवों में सबसे महाबलशाली महाबलशाली थे, और इन्हीं के नाम पे ये भीमबेटका केव्स का नाम पड़ा है, ठीक है, डिराइव हुआ है, ऐसा माना जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर लोकेशन की बात करूं, भीमबेटका केव्स की लोकेशन की बात करूं मैं, तो लोकेशन कहाँ है देखिए, क्योंकि आपको मैप भी पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट ये है कहाँ पे। तो ये है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, भोपाल के जस्ट बगल में है। अगर डिस्टेंस की बात करूं तो 40 किलोमीटर के आसपास है, 40 किलोमीटर फ्रॉम भोपाल, ठीक है, 40 किलोमीटर। और इसकी लोकेशन कहाँ पे है, विंध्यान हिल्स, विंध्यान हिल्स, ठीक है। और इसी के पास में है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसका नाम है रतापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, रतापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। डिस्कवर कब हुआ है, डिस्कवरी पता होनी चाहिए, डिस्कवर हुआ है 1957-58 में ये डिस्कवर हुआ है भीमबेटका केव्स। और 2003 में दोस्तों, 2003 में इसको क्या बना लिया गया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और ये थर्ड भीमबेटका केव्स जो है थर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, थर्ड है। तो पहला दो कौन है भाई, बता देता हूँ। चलिए देखिए, एक जो है वो है कौन सा, बताइए आप बताइए, बिल्कुल सही, खजुराहो, खजुराहो के टेंपल आपने नाम सुना होगा, खजुराहो। और दूसरा क्या है, सांची स्तूपा, ये भी आपने नाम सुना होगा। तो इसके अलावा ये दो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और कुछ चीजें देख लेते हैं। देखिए इसके बाद जो है सात हिल, टोटल सेवन हिल्स, और इसके अलावा 800 केव्स हैं, 800 केव्स हैं यहाँ पर। तो भैया जब मौका लगे तो जरूर जाइएगा, लेकिन इन 800 में टोटल 12 केव ही है जो ओपन है, टोटल 12 केव है जो ओपन है पब्लिक के लिए, ठीक है, टोटल 800 केव्स में से, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और वहां की जो पेंटिंग है ना रॉक्स की, केव में रॉक्स पे जो पेंटिंग है, वो पेंटिंग मेनली क्या डिपिक्ट करता है और किस चीज की पेंटिंग है, अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको दिखेगा कि उसमें हंटिंग हंटिंग दिखेगा, ठीक है, डांसिंग दिखेगा, हंटिंग डांसिंग, डांसिंग के अलावा और क्या, डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन एक्टिविटीज दिखेगा, डोमेस्टिकेशन एक्टिविटीज एक्टिविटीज भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। और इन जितने भी पेंट हुए हैं, जो भी पेंटिंग हुआ है, इनमें जो डाइज यूज हुए हैं, जो कलर्स यूज हुए हैं, मेनली जो कलर यूज हुए हैं वो नेचुरल कलर है दोस्तों, नेचुरल। और ये नेचुरल कलर ऐसे हैं जो बहुत लॉन्ग टाइम तक खराब नहीं होंगे, कितने साल तक, हजार साल तक ये खराब नहीं होंगे। और कलर्स यूज कौन कौन से हुए हैं, देखिए व्हाइट कलर जो यूज हुआ है, व्हाइट कलर ये हुआ है लाइमस्टोन से, व्हाइट कलर यूज हुआ है लाइमस्टोन से। दूसरा रेड कलर यूज हुआ है, रेड कलर ये किससे यूज हुआ है, हेमेटाइट से, हेमेटाइट, स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, हेमेटाइट से, आयरन ओर है एक हेमेटाइट उससे। और तीसरा ग्रीन कलर, ग्रीन कलर किससे यूज हुआ है, ग्रीन कलर यूज हुआ है कैल्को या चैल से डोनी स्टोन से यूज हुआ है ग्रीन कलर। टफ सवाल बनाना होगा तो बना सकता है कि ग्रीन कलर कौन से स्टोन से यूज हुआ है, ये ग्रीन कलर जो भीमबेटका केव्स में जो यूज हुआ है कलर, ठीक है, इतनी बात समझ में आ जाती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे देख लेते हैं, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। चलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दीज पेंटिंग्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि डिफरेंट कलर्स यूज हुए हैं डिफरेंट पेंटिंग्स को करने के लिए, डिफरेंट कलर, ये जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी, डिफरेंट कलर से डिफरेंट पेंटिंग्स हुई है, डिफरेंट, सोचिए उस समय के लोग
जो खाने पे जिंदा रहने वाले, जिनको सिर्फ खाने से मतलब था, लेकिन जैसे ही सिविलाइजेशन थोड़ी सी एडवांस हुई तो लोग किस तरह के पेंटिंग्स और किस तरह की चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व कर लिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अलग अलग कलर का भी अलग अलग सिग्निफिकेंस है। जैसे मैंने यहाँ बताया ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर का सिग्निफिकेंस ये है कि ह्यूमन एक्टिविटीज यानी सोशल गैदरिंग्स के लिए यूज हुआ है ये ग्रीन कलर। कलर की मैं बात करूं अगर, तो रेड कलर जो है ये हंटर्स के लिए यूज हुआ है, हंटर्स के लिए यूज हुआ है, हंटर्स के लिए, या फिर हंटिंग एक्टिविटीज, हंटिंग एक्टिविटीज के लिए यूज हुआ है, हंटिंग एक्टिविटीज के लिए यूज हुआ है। ठीक है, हंटिंग एक्टिविटीज के लिए यूज हुआ है। ठीक, क्लियर है, लगभग सब चीज कवर कर लिया हम लोगों ने। तो भीमबेटका से अब कोई क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कर लेंगे। चलिए दूसरे साइट की तरफ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनके बारे में अपने को पढ़ना है। तो दूसरा जो साइट है वो है हाथ नोरा, हाथ नोरा, ये नोरा फतेही नहीं है, ये हाथ नोरा है। ठीक है, और ये है पैलियोलिथिक साइट, पैलियोलिथिक साइट। ठीक है, हाथ नोरा, ये हाथ नोरा है कहाँ पे, देखिए बुधनील तहसील में, बुधनील, बुधनील तहसील, ठीक है, बुधनील तहसील और सीहोर डिस्ट्रिक्ट, सीहोर डिस्ट्रिक्ट में ये हाथ नोरा वेबसाइट, वेबसाइट कह रहा हूँ मैं, हाथ नोरा साइट है। ठीक है, एक गांव ही है बल्कि हाथ नोरा, हाथ नोरा विलेज, हाथ नोरा, हाथ नोरा विलेज। ठीक है, हाथ नोरा विलेज एक वहां पे गांव है और ये नर्मदा वैली में है, नर्मदा वैली, नर्मदा वैली में है हाथ नोरा। 30 किलोमीटर है होशंगाबाद, यानी 30 किलोमीटर है होशंगाबाद, होशंगाबाद कह लीजिए या फिर नर्मदापुरम कह लीजिए। ठीक है, 30 किलोमीटर है नर्मदा रिवर के किनारे। और अगर मैं एग्जैक्ट डेट की बात करूं, एग्जैक्ट डेट की बात करूं तो 5 दिसंबर 1982, डेट नोट कर लीजिएगा, ये मेरा बर्थडे नहीं है, 5 नवंबर 1982, ये डेट कौन सी डेट है, ये डेट है जब अरुण सोनकिया नाम के आदमी ने, जी हाँ, क्या नाम था, अरुण सोनकिया, अरुण सोनकिया, अरुण सोनकिया नाम के आदमी ने डिस्कवर किया था फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ह्यूमन एग्जिस्टेंस का फर्स्ट, एग्जिस्टेंस का फर्स्ट एविडेंस, फर्स्ट एविडेंस, ठीक है, फर्स्ट एविडेंस यूज खोज किया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, क्या नाम था, अरुण सोनकिया। और ये डेट भी याद कर लीजिए, 5 दिसंबर 1982, अगर आपका बर्थडे है तो बहुत अच्छी बात है, याद रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लार्जेस्ट, अच्छा इसमें जो है ह्यूमन स्कल के फॉसिल्स पाए गए थे, क्या पाया गया था, ह्यूमन स्कल, ह्यूमन स्कल के फॉसिल्स, ह्यूमन स्कल के फॉसिल्स पाए गए थे। ठीक है, जिसको होमो इरेक्टस भी कहते हैं, होमो इरेक्टस, ठीक है, होमो इरेक्टस, क्लियर है। और ये जो होमोनाइड स्पीसीज थे ये ह्यूमंस के थे, और वो जो एविडेंस पाया गया था इससे ये पता चला था कि ये स्कल किसका था, स्कल था किसका, औरत का, किसी औरत का स्कल था जो मिला था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, हाथ सोनारा हो गया, इसके बाद अपना है आदमगढ़ केव्स, सबसे इंपॉर्टेंट था भीमबेटका, इसके बाद तीसरा जो है वो कौन सा है, आदमगढ़, आदमगढ़ केव्स, तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए आदमगढ़ केव्स है कहाँ पे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक, सबसे पहले तो ये लिख लीजिए कि ये एक मेसोलिथिक साइट है, आदमगढ़ कौन सा है, मेसोलिथिक। ठीक है, क्लियर है। अच्छा भीमबेटका कौन सा था, ये मैंने बताया नहीं आपको, भीमबेटका था पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक साइट था। ठीक है, चलिए पैलियोलिथिक था, हाथ नोरा भी पैलियोलिथिक था, और आदमगढ़ क्या है, आदमगढ़ है मेसोलिथिक। ठीक, और ये आदमगढ़ हिल्स है, आदमगढ़ हिल्स, आदमगढ़ हिल्स यहीं पे मिलता है, मिला है आदमगढ़ हिल्स विंध्यान रेंज में, ठीक, नर्मदा नदी के किनारे, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है दोस्तों, नर्मदापुरम, नर्मदापुरम, ठीक है, नर्मदापुरम। फेमस फॉर द प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर और रॉक पेंटिंग्स पाई गई है, यहाँ पे जो पेंटिंग्स पाई गई हैं वो क्या डिपिक्ट करती हैं, ये डिपिक्ट करती हैं, ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ मैं, हंटिंग, हंटिंग डिपिक्ट करती हैं, इसके अलावा डांसिंग डिपिक्ट करती हैं, डांसिंग डिपिक्ट करती हैं, और डांसिंग के अलावा कुछ डोमेस्टिक एक्टिविटीज, डोमेस्टिक एक्टिविटीज भी डिपिक्ट करती हैं। ठीक है, क्लियर है, इतनी बात समझ में आती है। अच्छा इस पेंटिंग में जो चीजें दिखाई गई हैं वो पैलियोलिथिक से हिस्टोरिक पीरियड तक की है, और मेनली ये पेंटिंग्स किसकी हैं, पेंटिंग्स आप देखेंगे हॉर्सेस, हॉर्सेस मंकीज, हॉर्सेस मंकीज, बिसोन पिकॉक, बिसोन पिकॉक, ठीक है, तो इन सब, इन सारे जानवरों की पेंटिंग्स, कैटल्स की भी मिल जाएंगी आपको, कैटल्स की, कैटल, ठीक है, और इसके अलावा तलवार की पेंटिंग मिल जाएगी, स्वॉर्ड्स की, तो ये सारी पेंटिंग्स आपको वहां पे मिलेंगी। और मेनली जो कलर है इन पेंटिंग्स का वो है रेड और व्हाइट,
रेड और व्हाइट कलर है, ठीक है, रेड और व्हाइट कलर। और मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि नेचुरल डाइस से ये कलर टोटल बनाए गए हैं। अच्छा, इसमें आदमगढ़ केव्स में 80 केव्स है, टोटल टोटल 80 केव्स है, ठीक। लेकिन रॉक पेंटिंग्स इनमें से टोटल 22 केव्स में रॉक पेंटिंग्स मिला है। रॉक पेंटिंग्स जो है ये टोटल 22 केव्स में है, ठीक, 80 में से 22 केव में है। अच्छा, यहाँ पे जो है जिराफ की पेंटिंग मिली है, जिराफ की पेंटिंग मिली है, ठीक है, जो ये डिपिक्ट करता है कि हमारे कनेक्शन किससे थे, हमारे कनेक्शन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से भी थे, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से भी थे, ठीक है, क्लियर है। तो वो जो हमने पढ़ा था अल्फ्रेड, हमने जो एक चीज पढ़ा था अल्फ्रेड वेगनार की थ्योरी, अल्फ्रेड वेगनार की कौन सी थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी, वो ड्रिफ्ट की थ्योरी को सपोर्ट करता है ये पेंटिंग्स, ठीक है, कि पहले सब एक कॉन्टिनेंट था और बाद में कॉन्टिनेंट्स क्या हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अब देखते हैं हम लोग चौथा, चौथा देखते हैं कायत, चौथा देखते हैं हम लोग कायत, कायत देखते हैं, ठीक है। तो कायत के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में, पहली बात। दूसरी बात कि ये कौन से नदी के किनारे है, छोटी सिंध नदी के किनारे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटी सिंध नदी के किनारे है, ठीक है। और ये छोटी सिंध किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये भी पूछा जा सकता है, तो ये है चंबल की ट्रिब्यूटरी, ये है चंबल की ट्रिब्यूटरी, ठीक। कायत के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट चेल्कोलिथिक साइट है, फर्स्ट चेल्कोलिथिक साइट है, फर्स्ट चेल्कोलिथिक साइट है एमपी का, ठीक है, क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं और कायत कल्चर जो है अर्लीस्ट नोन ह्यूमन सेटलमेंट है, कायत कल्चर जो है ये है अर्लीस्ट नोन ह्यूमन सेटलमेंट, अर्लीस्ट नोन ह्यूमन सेटलमेंट, ठीक है, अर्लीस्ट नोन ह्यूमन सेटलमेंट। अच्छा, कॉपर मेटलर्जी, कॉपर मेटलर्जी, कॉपर मेटलर्जी का ये एक गजब का सेटलमेंट, इस ये सेटलमेंट एक गजब का एग्जांपल है, ठीक है। 40 सेटलमेंट टोटल है जहां पे कॉपर मेटलर्जी का देखा गया है कल्चर, क्लियर है, टोटल 40 से ज्यादा सेटलमेंट बल्कि कायत कल्चर में आपको दिखाई देंगे, ठीक। और इसके जो लोग हैं ये पीपल यूज टू लिव इन स्मॉल हट, छोटे घरों में रहते थे, स्मॉल हट्स, ठीक है। मिक्सड इकोनॉमी थी, इस टाइम की इकोनॉमी कैसी थी, मिक्सड इकोनॉमी थी, इसके डोमेस्टिकेशन करते थे ये लोग, शीप कैटल गोट और हॉर्सेस के भी रिमेंस पाए गए थे, ठीक है, इस रीजन में हॉर्सेस के भी रिमेंस पाए गए थे। और डिस्कवरी मैंने आपको बता ही दिया है कायथा का, पहले बता चुका हूं कि वाकानाकर, V.S. वाकानाकर ने इसकी डिस्कवरी की थी, ठीक, क्लियर है। अच्छा, कुछ एक और दो फैक्ट बता देता हूं कि वराह मिहिर, नाम आपने सुना होगा, वराह मिहिर, वराह मिहिर जो है वो एक एस्ट्रोलॉजर है, फेमस एस्ट्रोलॉजर, और ये भी पैदा कब हुए थे, कायत कल्चर में, यानी कि कायत में ही पैदा हुए थे, ठीक, क्लियर है। चलिए कायत के बारे में लगभग हमने सब चीजें देख लिया है और कुछ छूटा नहीं है, तो अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अपन कर लेंगे। अब हम बात करने वाले हैं ईरान, अगला जो कल्चर हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ईरान, और ये था एक चेल्कोलिथिक, चेल्कोलिथिक साइट था, तो अब बात करेंगे ईरान के बारे में, ठीक है। देखिए ईरान के बारे में अगर बात करें, ये वो ईरान नहीं है जो कंट्री है, ये एक चेल्कोलिथिक साइट है, और ये कहाँ लोकेटेड है, तो सबसे पहले ये बता दूं कि ये लोकेटेड है सागर डिस्ट्रिक्ट में, सागर भी लहराए, सागर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ईरान कहाँ पे है, सागर डिस्ट्रिक्ट में। और रिवर कौन सा है, अगर मैं रिवर की बात करूं तो ईरान डिस्ट्रिक्ट कौन से रिवर में है, रिवर बीना, रिवर बीना, ठीक है, रिवर बीना। मैं आपको दिखाऊं, चलिए दिखा देता हूँ, इच्छा पूरी करना मेरा काम। देखिए मैं बात कर रहा था सागर नदी ना, सागर डिस्ट्रिक्ट की, तो देखिए ये बेतवा नदी आप देख पा रहे हैं, ये वाला मैं पेन से आपको दिखाता हूँ, देखिए इस नदी की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ पैरेलली, ये है बेतवा और यहाँ पे है सागर जिला, सागर, और यही नदी एक बहती है जो बेतवा से जुड़ जाती है, बीना नदी, ठीक है, बीना नदी, और ये बीना नदी बेतवा की ही ट्रिब्यूटरी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चले आगे बढ़ जाते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं, तो मैं बात कर रहा था बीना नदी, आगे चलते हैं। देखिए चेल्कोलिथिक साइट है और कॉपर टूल्स भी यहाँ से ही एक्सकवेट किया गया है, आई मीन कॉपर स्टोन टूल्स जो है बाकी जगहों के साथ साथ आपको ईरान में भी मिल जाएगा। और इसका एंशियंट नेम क्या था ईरान का, ये हमेशा से ईरान नहीं था, ये पहले क्या था, ये था एरिकेन, इसका नाम क्या था, एरिकेन, ठीक है, बाद में इसका नाम हो गया ईरान। अगर टाइम पीरियड की बात करोगे आप तो ये है 2000 से 700 BC, क्योंकि ये चेल्कोलिथिक एज है तो टाइम जो है चेल्कोलिथिक एरा में भी जा रहा है। और अगर डायनेस्टी की बात करूं तो यहाँ पे गुप्ता डायनेस्टी का बहुत समय तक राज रहा है, गुप्ता डायनेस्टी, थोड़ा सा मीडियावल में चला गया मैं, इसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन डेटा है तो बता रहा हूँ मैं। एक यहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिला था,
एक यहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिला है जिसपे क्या मेंशन है, जिसपे सती का सेक्रीफाइस, जो सती प्रथा आपने नाम सुना है, ये इसका सेक्रीफाइस, सती का सेक्रीफाइस का जो एक इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट इसमें मेंशन है। तो क्वेश्चन अगर आ जाता है कभी मान लीजिए, तो ध्यान रखिएगा कि सागर डिस्ट्रिक्ट में मिला है, ईरान साइड पे मिला है, ठीक, क्लियर है। हिंदू के टेम्पल्स बहुत सारे जो गुप्ता पीरियड के थे वो भी आपको यहाँ दिख जाएंगे, और जिसमें से सबसे खास जो है वो है बुद्धा का गुप्ता पिलर, बुद्धा का गुप्ता पिलर, गुप्ता पिलर, ठीक है, गुप्ता पिलर, तो ये आपको दिख जाएगा, बड़ा सा एक ऐसे इस तरीके का बना हुआ है, और इस पे एम्बलेम, एम्बलेम लगा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। और ये एम्बलेम में क्या है, देखिए एक चक्रवीर है जिसके पीछे वाले हेड पे गरुड़ पिलर आपको दिख जाएगा, ठीक है। एक डबल स्टेच्यू है विष्णु भगवान की, विष्णु भगवान की स्टेच्यू है, विष्णु भगवान की स्टेच्यू है इस पिलर के जस्ट ऊपर यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है। तो गरुड़ पिलर का क्वेश्चन आ जाएगा कि गरुड़ पिलर कहाँ पे है, तो मेरे हिसाब से आप कर लेंगे कि ये एरा ईरान चाकलिथिक साइट पर मिला, ठीक है। आगे देखिए कोलोजल बोआर स्टेच्यू ऑफ रेड स्टोन, ये भी यहाँ पे मिला है, क्या मिला है, बहुत बड़ा, कोलोजल मतलब होता है बहुत बड़ा, तो बहुत बड़ा एक बोर स्टेच्यू, बोर स्टेच्यू ऑफ रेड सैंड स्टोन, रेड सैंड स्टोन, ये भी यहाँ पे मिला है, ठीक, क्लियर। ईरान की बात हम लोगों ने कर ली। कुछ टेंपल्स के बारे में बता देता हूँ कि कुछ टेंपल्स कौन कौन से हैं। तो मेनली विष्णु का टेंपल मिला है यहाँ पे, विष्णु भगवान का, विष्णु भगवान का टेंपल है। एक हनुमान जी का टेंपल मिला है, हनुमान जी का, ठीक है, हनुमान जी का टेंपल है यहाँ पर, और सती का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। चलिए ये हो गया ईरान, अब अपन चलते हैं छठे नंबर पे, जो है वो कौन सा है, छठे नंबर पे है नवदा टोली, नवदा टोली, नवदा टोली, ये भी चैल्कोलिथिक, चैल्कोलिथिक साइट है, ठीक है। फटाफट से इसके डिटेल्स मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कहाँ पे, जगह का नाम जरूरी है, तो जगह का नाम है महेश्वर, 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 ठीक है, महेश्वर। और ये कहाँ पे है, खारगोन डिस्ट्रिक्ट, खारगोन डिस्ट्रिक्ट, और ये खारगोन डिस्ट्रिक्ट कौन क्या था पहले, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम था पहले वेस्ट नीमार, वेस्ट नीमार डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और इसको डिस्कवर किसने किया, एच डी संकाला ने, इसको डिस्कवर किसने किया, एच डी देवगौड़ा नहीं, संकाला, एच डी देवगौड़ा तो हमारे प्रधानमंत्री थे, एच डी संकाला ने इसको डिस्कवर किया। और ये है नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है, क्लियर है। अच्छा ये एक इम्पोर्टेंट मालवा कल्चर की साइट है, क्या है दोस्तों, इम्पोर्टेंट मालवा कल्चर, मालवा कल्चर, ठीक। टाइम पीरियड की बात करूं तो मेनली ये 1600 BC के टाइम में था, 1600 BC। यहाँ पे क्या पाया गया, देखिए मड कॉटेजेस पाए गए, मड कॉटेजेस मतलब मिट्टी के घर, जो बच्चे नहीं बनाते हैं खेलने के लिए, मिट्टी के घर पाए गए, और किस शेप में पाए गए, तो शेप था रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर शेप के मिट्टी के घर पाए गए। और इसके अलावा जो है एक चूल्हा, चूल्हा पाया गया, वो भी मड का बना हुआ, चूल्हा पाया गया मड का बना हुआ, ठीक है। तो ये हो गया नवदा टोली, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें उतना इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। चलिए सातवां देखते हैं जो कि लास्ट है, तो सातवां कौन सा है, नगदा, नगदा, ये एक चैल्कोलिथिक है, चैल्कोलिथिक साइट। अगर बात करूं कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो डिस्ट्रिक्ट है उज्जैन, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है, उज्जैन, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है, और ये मालवा रीजन में आता है, मालवा रीजन, ठीक है, मालवा रीजन में आता है। उज्जैन नदी किस नदी के, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट किस नदी के किनारे है, शिप्रा नदी, तो रिवर कौन सा है, शिप्रा रिवर, ये ध्यान रखने वाली बात है, नदी कौन सी है, शिप्रा। और इसको डिस्कवर किसने किया, डिस्कवर किया V.S. वाकानाकर, इसी ने क्या था डिस्कवर किया था, जो कि फर्स्ट चेल्कोलिथिक साइट है, V.S. वाकानाकर, वाकानाकर, ठीक है। यहाँ पे चेल्कोलिथिक पॉटरीज और टूल्स मिले हैं, चेल्कोलिथिक टूल्स और क्या मिले हैं, पॉटरीज, टूल्स और पॉटरीज, ठीक है। देखिए कालिदास ने जो अपने लिटरेचर में, कालिदास का नाम सुना होगा आपने, कालिदास जी ने अपने लिटरेचर में नागदा का नाम मेंशन किया है, नागदा का नाम मेंशन किया है, ठीक, इतनी बात समझ में आ जाती है, क्लियर है। देखिए हमने इतनी देर से आर्कियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजी के बारे में पढ़ा, तो एक चीज मैं और बता दूं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI, इसकी खोज कब हुई थी, ये कब आया था, कब स्टेब्लिश हुआ था, तो ये हुआ था 1861 में, MBPCS में ये क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि, और इसका काम क्या है, जो एंशियंट मॉन्यूमेंट्स हैं या आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, जो रिमेन्स हैं,
उन सबको क्या करता है, ये उन सबका मेंटेनेंस करता है, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है जाते जाते मैंने आपको दे दिया। तो एंसियंट जो है ये मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया इस वीडियो में। अब हम बात करेंगे वैदिक, नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा उसमें वैदिक के बारे में बात करेंगे और कंप्लीट वैदिक पीरियड पढ़ेंगे और फिर आ जाएगा महाजनपद पीरियड, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप कि इस वीडियो को देख के एंसियंट के क्वेश्चंस अब आप नहीं छोड़ पाएंगे। चलिए, धन्यवाद।